हेलो एवरीवन, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो प्रश्न यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2004 से 2024 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे, उसकी हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर हम उनको देखें तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन होते ही होते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करें तो गांधी, अंबेडकर और सावरकर, और हम नेहरू को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, ये ऐसे थिंकर हैं जिनके राजनीतिक चिंतन से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। मतलब ये ऐसे क्रूशियल थिंकर हैं कि इनको आपको ज़रूर कवर करके जाना है। वैसे आप देखें एग्ज़ाम का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, फिर भी गांधी और अंबेडकर और सावरकर आपको इन तीन थिंकर्स को एटलीस्ट तो पढ़ के जाना ही जाना है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि पिछले 20 सालों में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर गांधी के रोल की हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट में या फिर उनकी पोलिटिकल फिलासफी के बारे में, तो उनका रोल बहुत ही डायनेमिक है। आप देखें महात्मा गांधी के रोल की हम बात करें तो इंडिया की फ्रीडम, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, उसमें शामिल होने से पहले गांधी की ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका में गुजरा। और गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी जो है सक्सेसफुल मास मूवमेंट को जो है लॉन्च किया, वहाँ की जनता को उन्होंने मोबिलाइज किया, संगठित किया और एक सफल आंदोलन किया ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की बात करें कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं कि गांधी का साउथ अफ्रीका में क्या रोल था, और इंडिया के अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे मतलब लीड किया। और उस दौरान उन्होंने, जैसे कि हम बात करें उनके तीन बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट हैं, हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें, और इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट, के तीन मेजर मूवमेंट हैं महात्मा गांधी के। इसके अलावा जो उन्होंने यहाँ पे आश्रम वगैरह इस्टेब्लिश किए थे इंडिया के अंदर, जैसे कि आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट और कुछ संस्थाएँ जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांधी की अपनी पोलिटिकल फिलासफी है, जैसे कि बात करें अगर हम गांधी का जैसे जो कॉन्सेप्ट है उनकी पोलिटिकल फिलासफी के अंदर, सत्याग्रह का जो उनका कॉन्सेप्ट है, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें गांधी ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिंद स्वराज की अगर आप बात करें, या फिर न्यूज़पेपर जो उन्होंने लिखी हैं इंडियन ओपिनियन जैसे कि उन्होंने लिखा है, या इंडिया लिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे दिसंबर 2004 में पूछा गया है, और जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, गांधीन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज ए, गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा क्या है, क्या ये अपने आप एक मॉरल वेपन है। आप देखें सत्याग्रह दो चीज़ों से मिलकर के बना है, सत्य और आग्रह दो चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, सत्य और आग्रह। यहाँ पर सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, और आग्रह का मतलब इंसिस्ट करना, किसी चीज़ पर जोर देना। तो एक सत्याग्रही क्या करता है, अपने जो उसके विरोधी हैं उसके वो हृदय परिवर्तन की कोशिश करता है, अपने नैतिक बल के जरिए से, अपने आत्मबल के जरिए से जो है वो अपने विरोधी के हृदय परिवर्तन की कोशिश करता है, और उसके माध्यम से जो है वो अपने लक्ष्यों को हासिल करके जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो सत्याग्रह अपने आप में एक मॉरल वेपन है, ये आत्मबल है, इसको हम सोल फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, या फिर आप जैसे कोट्स जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चन हैं। आप देखें यहाँ पे, द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट ए फ्री पर्सन रिप्रेजेंट्स ऑल द वेरिड इंटरेस्ट विच कंपोज द नेशन। प्रजातंत्र का मूल सार यह है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति राष्ट्र के संगठक वैविध्यपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेसिकली आप देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी का है, और ये बात कर रहे हैं किसके बारे में,
डेमोक्रेसी के एसेंस के बारे में, कि जहाँ पे एक स्वतंत्र व्यक्ति क्या है कि जितने भी हित हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, कैसे हित, जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और हम बात करें एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, तो एक जो नेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया एज ए नेशन, अगर हम देखें तो हमारी एक कलेक्टिव, एक कॉमन आइडेंटिटी है। और इसके अलावा हम अगर हम देखें जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, धर्म है, इतिहास, इस तरीके से कॉमन है। और इन्हीं चीज़ों से लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को वो डेवलप करते हैं, और उसके साथ वो सॉलिडेरिटी जो है दिखाते हैं, और फाइनली किसी एक एक विशेष पर्पज़ के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखें कि जब तक अंग्रेज जो है डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी को अपना रहे थे, उन चीज उस एक्टिविटी को या उस पॉलिसी को, जब तक अंग्रेजों की इस पॉलिसी को इंडियंस ने नहीं समझा था, उस वक्त तक जो है अंग्रेजों की जो पकड़ थी वो इंडिया में मजबूत थी। लेकिन आप देखें इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी ने मुसलमानों को संगठित करने के लिए खिलाफत मूवमेंट में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बड़े पैमाने पर उन्होंने फिर देखिए आप जो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है लॉन्च किया। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ता और एक चीज़ और भी आप देखें, जब भी आप नेशन और या नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये एक बुक है, इसका टाइटल है इमेजिन्ड कम्युनिटी, इसको लिखा है बेनेडिक्ट एंडरसन ने, इसको आप ज़रूर पढ़िए। इस ये जो बुक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और इस बुक को कई बार पूछा गया है। जैसे कि अगर ये आपको ये समझना हो कि किन चीज़ों से मिलकर के जो है एक राष्ट्र बनता है और राष्ट्रवाद क्या चीज़ है, तो इसके लिए आप जो है बेनेडिक्ट एंडरसन की जो बुक है इमेजिन कम्युनिटीज, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सिंबल 2005 में इसको पूछा गया है, और यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ किताबों के आपको नाम दिए गए हैं और इनको आपको मैच करना है। गांधी ने आमतौर पे जो किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिंद स्वराज के बारे में आपने सुना होगा, और आपने सुना होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के बारे में, लेकिन गांधी की ये जो बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, जिसको गांधी ने 1947 में लिखा था, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप देखें जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का दिसंबर 2023 में, मतलब अभी कुछ महीने पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उस एग्ज़ाम में भी जो है इस किताब के बारे में पूछा गया था कि इस बुक के ऑथर कौन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी ने हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इस तरह की किताबें लिखी हैं, गांधी ने और भी किताबें लिखी हैं। तो आइए इसको थोड़ा मैच करते हैं। गांधी ने कौन सी किताब लिखी है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और हीगल ने जो बुक लिखी है उसका टाइटल है फिलोसफी ऑफ राइट, और प्लेटो आप जानते हैं प्लेटो ने स्टेट्समैन को लिखा है, और अरविंदो ने लिखा है ह्यूमन साइकिल को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बुक एक्स्ट्रा लिखी गई है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा है नेहरू ने, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से हम देखें, हमने जो है ए को थर्ड से मैच किया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए को हमने थर्ड से मैच किया है और डी को पहले से। हीगल, जैसे कि आप देख सकते हैं हीगल ने फिलोसफी ऑफ राइट को लिखा है, ये बुक आप हिंदी में भी देख सकते हैं, फिलोसफी ऑफ राइट को किसने लिखा है, हीगल ने। तो हमने डी को पहले से मैच किया और ए को हमने मैच किया थर्ड से, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जून 2006 में पूछा गया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखना है कि जो मैच, मतलब ये कॉन्सेप्ट और जो ऑथर के जो नाम हैं उसको करेक्टली मैच किया गया या नहीं किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें जो कॉन्सेप्ट है, द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार, ये बेसिकली गांधी का विचार है, ये करेक्ट है। नव मानववाद का जो विचार है ये किसका विचार है, एम एन रॉय का, ये भी करेक्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे देखें द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, आप देखें ये बेसिकली जेपी नारायण का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप देखिए देखें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म इन हिस्ट्री, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार। तो ये जो विचार है ये बी आर अम्बेडकर का नहीं है,
किसका विचार है ये औरविंदो का है, सर औरविंदो घोष जो है, जो अरविंद घोष है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। यहाँ पर क्या है कि इतिहास का जो निर्धारण है वो आध्यात्मिक तत्वों के ज़रिए से होता है, स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं इतिहास के निर्धारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पूछा गया दिसंबर 2006 में, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ अनार्किस्ट, इसको अनार्किस्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, महात्मा गांधी को हम अनार्किस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। वो भी कैसे अनार्किस्ट, देखिए अनार्किस्ट दो तरह के होते हैं। एक जो बेसिकली अनार्किस्ट होते कहते किसको, पहले आप ये समझिए, अनार्किस्ट वो थिंकर होता है जो राज्य को समाप्त करना चाहता है, राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है, मतलब अननेसेसरी इविल मानता है, मतलब इसकी इसका कोई वजूद ही नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए। गांधी को हम फिलोसफिकल अनार्किस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब वो कहते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी उनकी फिलॉसफी आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जब व्यक्ति का जो विवेक का स्तर है वो बढ़ जाएगा, जब उसके अंदर रीज़न और विवेक जो है अपने पीक पे होगा, अपने चरम पे होगा, तो राज्य जैसी जो संस्थाएं हैं उन उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि जब जो विवेक है अपने चरम पर होगा और व्यक्ति नैतिक होगा, मतलब वो उसके अंदर मॉरलिटी जो है अपने पीक लेवल पे होगी, तो उस केस में क्या है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेगा, लोगों की किसी के साथ जो है वो मिसबिहेव नहीं करेगा, किसी के हक को नहीं मारेगा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है गांधी का, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो मानव विकास में, जो मानव की चेतना है उसके विकास में एक ऐसा समय आएगा जब राज की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हर लोग इतने नेक और शरीफ हो जाएंगे कि राज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी राज की आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए है कि लोग अपराध कर रहे हैं, समाज में आज भी अपराध हो रहे हैं, और जब व्यक्ति की नैतिकता मॉरलिटी का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा तो फिर ये राज जो है ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगेन यहाँ पे आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर जो यहाँ पे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के बारे में बात पूछा जा रहा है। बेसिकली जब भी हम गांधी को पढ़ते हैं तो उनके उनके चिंतन में, उनके दर्शन में हम देखते हैं नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को, हम देखते हैं अहिंसा के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और अगर हम बात करें पैसिव रेजिस्टेंस की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गांधी का नहीं है बल्कि किसका है, सर अरविंद घोष का है। और फर्दर हम अभी डिस्कस करेंगे कि सत्याग्रह, जो सत्याग्रह है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लेट मी राइट अगेन, सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए पैसिव रेजिस्टेंस में क्या है कि व्यक्ति हिंसा का भी आश्रय ले सकता है कुछ हद तक जो है, वैसे तो वो नकारात्मक रूप से जो है वो राज्य का विरोध कर रहा है, लेकिन सत्याग्रह में क्या है कि एक सत्याग्रही जो है कभी भी वो हिंसा का सहारा नहीं लेगा, बल्कि जो है वो अपने आत्मबल का, सोल फोर्स का इस्तेमाल करेगा और उसके जरिए से जो है अपने विरोधी के हृदय परिवर्तन की जो है वो कोशिश करेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको नोट करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर अक्सर ये जो क्वेश्चन अगर सामान्य तौर पे जिसने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो गांधी को ही टिक करके आएंगे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है, अरविंद घोष का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किताबों के नाम आपको दिए गए हैं और आपको इन किताबों के नाम लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। एक तरफ लेखक हैं जो ऑथर्स हैं बुक के वो हैं, और दूसरी तरफ लिस्ट टू में जो है बुक का जो टाइटल है वो दिया गया है। तो रजनी कोठारी ने जिस बुक को लिखा है उसका टाइटल है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है रजनी कोठारी की और इसको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी पे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी नाम की बुक लिखी है और उसमें इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है इंडियन
इकोनॉमी इवॉल्व हुई है, और उसमें एक कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल करते हैं बुलक कार्ट कैपिटलिज्म का, नोट डाउन कर लीजिए, ये पेन टैब प्रॉपर काम नहीं कर रहा है क्यों आज, बुलक कार्ट कैपिटलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बुलक कार्ट कैपिटलिज्म जो है, बैलगाड़ी पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट है, किसको इसको किसने दिया है, तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने जो इस बुक लिखा है उसका नाम है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, इसी में जो है उन्होंने ब्लैक कार्ड कैपिटलिज्म की बात की। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बुक को किसने लिखा है, रजनी कुठारी ने, और जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा आप देखें महात्मा गांधी ने जो है एन ऑटो बायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लिए इस बुक को गांधी ने 1927 में लिखा था गुजराती भाषा में। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि महात्मा गांधी ने बेसिकली इस बुक को किस भाषा में लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये गुजराती भाषा में उन्होंने लिखी है। और इस तरह से अगर हम देखें हिंदी में भी सेम बुक है, मतलब सेम ऑथर के नाम दिए गए हैं और टाइटल सेम है। वैसे भी अगर किताबों की अगर हम बात करें तो उसके तो टाइटल सेम ही होते हैं, वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हमने ए को करेक्ट, एक को मैच किया है फोर्थ से, और डी को मैच किया है हमने, हमने डी को मैच किया है थर्ड से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बात अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई है और इसको आपको मैच करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें लिस्ट वन में किताब के टाइटल्स दिए गए हैं और लिस्ट टू में जो है ऑथर के नाम दिए गए हैं। तो ये जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये महा अम्बेडकर की काफ़ी पॉपुलर बुक है, सॉरी, ये अंबेडकर की काफ़ी पॉपुलर बुक है, और इस बुक को बी आर अम्बेडकर ने 1936 में लिखा है। इस बुक में अंबेडकर ये कहते हैं कि अगर जाति व्यवस्था को समाप्त करना है आपको, और स्पेशली जाति व्यवस्था के अंदर जो अनटचेबिलिटी है उसकी अगर हम बात करें, ये जो भेदभाव है जो जो दलितों के साथ छुआछूत हो रही है, बेसिकली किस वजह से हो रही है, जाति व्यवस्था की वजह से। तो इसलिए जो है बी आर अम्बेडकर इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वो क्या सजेशन देते हैं, इंटर कास्ट मैरिज का, मतलब जो है अलग अलग जातियों की जो विवाह हो वो जो है कराया जाए, मतलब अपर कास्ट का जो व्यक्ति है वो लोअर कास्ट से शादी करे, लोअर कास्ट का अपर कास्ट से करे। तो उनका ये कहना है जब खून से खून मिलेगा तो ये जो धर्म जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं हिंद स्वराज को जो है महात्मा गांधी ने लिखा है, कनिंग रीजन जो है हीगल का कॉन्सेप्ट है ये, और ह्यूमन साइकिल अरविंदो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, हमने डी को पहले से मैच किया है, यहाँ पे हमने डी को पहले से मैच किया है, देखिए यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, आपको एलिमिनेट करना है, और आपने ए को मैच किया है थर्ड से, ए को मैच किया है थर्ड से, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं और उसके बारे में बात की जा रही है, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काल क्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है। जैसे सुभाष एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो वो कब बने 1938 में। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए, टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया है। और आप बात करें कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, कि कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, उसी पार्टी के अंदर ही पार्टी के जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। आपने नरेंद्र देव का नाम सुना होगा, उसके अलावा जो है लोहिया का आपने नाम सुना होगा, और जयप्रकाश नारायण, ये जो थिंकर्स हैं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया, इन्होंने जो है 1934 में जो है कांग्रेस के अंदर रहते हुए
जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है बनाई थी। और अगर बात करें सत्याग्रह सभा के बारे में बात करें, ये जो सत्याग्रह सभा का आप देख रहे हैं यहाँ पे, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन, तो आप जानते हैं कि ये 1919 में जो है महात्मा गांधी ने जो है रॉलट एक्ट जो था, रॉलट एक्ट, इसका काफ़ी महात्मा गांधी ने विरोध किया था। और रॉलट एक्ट के अगेंस्ट जब महात्मा गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी टाइम में जो है उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। बाद में आप देखते हैं 13 अप्रैल 1919 को जो है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो फिर उसके बाद से जो है इस सभा की उतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। और आप देखें 1932 में जो है दलित्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए, पृथक निर्वाचक मंडल देने के लिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, वो जो है कम्युनल पंचायत या सांप्रदायिक पंचायत आप कह लें, अवार्ड कह लें, उसको लेकर के आते हैं। उसका बेसिकली एक ही पर्पज़ होता है, वो ये कि मुसलमानों की तरह जो है जो दलित हैं उनको भी एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, जहाँ पर जो जिस व्यक्ति को इलेक्ट होना है, निर्वाचित होना है, वो भी दलित समुदाय का होगा और उसको सिर्फ दलित समुदाय के लोग ही वोट दे सकेंगे। तो आप देखें 1919 और 1932, 1934 और 1938, तो आप देखें 3421, 3421 की अगर बात करें, 3421 तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे 10 दिसंबर 2008 में पूछा गया है, और अगेन यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उससे रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं उनको आपको मैच करना है, लिस्ट वन और लिस्ट टू का। तो आप जैसा कि जानते हैं जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी का है। लिबर्टेरियनिज्म जो है इसको हिंदी में स्वेच्छावाद कहते हैं, स्वतंत्र न उदारवाद भी कहते हैं, वो किसका कॉन्सेप्ट है, रॉबर्ट नॉजिक, बेसिकली इससे रिलेटेड हैं। और उपयोगितावाद की अगर हम बात करें, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें, तो ये बेंथम का कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो हीगल का है। और एक चीज़ यहाँ पे आप और नोट डाउन करिएगा, जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो हीगल की पॉलिटिकल फिलासफी में आपको देखने को मिलेगा, उनके चिंतन में, दर्शन में। और बाद में हीगल से जो है आप देखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्सी भी जो है सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने हेजीमनी कॉन्सेप्ट के अंदर, और उसको उन्होंने किससे लिया है, हीगल से लिया है। तो हीगल का प्रभाव आप देख सकते हैं एंटोनियो ग्राम्सी के ऊपर। अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हमने ए को मैच किया है थर्ड से, रॉबर्ट नॉजिक से, और डी को मैच किया हमने सेकंड से, मतलब स्वराज को भी मैच किया गांधी से। यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगेन यहाँ पे कुछ घटनाएं, कुछ मोमेंट के बारे में बात की जा रही है, कुछ आंदोलन के बारे में। जैसे कि आप देखें मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, भारतीय जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उससे रिलेटेड है। और यहाँ कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जो है, जो नेहरू जी के पिता हैं, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पेश किया था। और खिलाफत आंदोलन का जो संबंध, कनेक्शन है वो जिन्ना से नहीं है, इसका जो संबंध है वो किससे है, दो थिंकर्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इवन PCS के भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, ये दो मुस्लिम नेता हैं, मोहम्मद अली जौहर। आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जौहर जो दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापकों में से हैं, दिल्ली में जो JMI जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसके फाउंडर थे ये। और खिलाफत मूवमेंट को इन्हीं लोगों ने लॉन्च किया था। और आप देखें हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, और
और बाद में जो है महात्मा गांधी इसमें इस आंदोलन में शामिल होते हैं। और इससे क्या कि महात्मा गांधी को मुसलमानों का सपोर्ट मिलता है, और जब वो ये बेसिकली ये जो मोमेंट है वो 1919 आप कह सकते हैं कि 1919 में ये मोमेंट शुरू हुआ था। और आप देखें 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन, जो उनका असहयोग आंदोलन था, उसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, और इसमें उनको काफ़ी सफलता मिली थी। हालांकि चौरी चौरा घटना की वजह से उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है वो मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है, बल्कि किससे है, शौकत अली से है और मोहम्मद अली जौहर से है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो आप जानते ही हैं, इसको सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया था ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया था। और यहाँ पे आप देखें दिसंबर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है अगेन हिंद स्वराज से। अच्छा, आपने कुछ चीज़ें नोटिस की कि गांधी की जो किताबें हैं, गांधी ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने किस साल लिखा है। तो महात्मा गांधी ने इस बुक को 1909 में लिखा था। और बेसिकली इस बुक के बारे में कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन है, उसको आप जानें। महात्मा गांधी ने जो है जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो है उन्होंने जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसकी उन्होंने आलोचना की है। और इस बुक की अगर हम बात करें, इस बुक को 1910 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया था इंडिया के अंदर। और क्यों बैन किया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मानना था कि इसमें राजद्रोह भरा हुआ है, राजद्रोह मतलब इसमें सेडिशन है एक तरह से। और अगर एक एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा गया था हिंद स्वराज से, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद स्वराज में कितने चैप्टर्स हैं। तो हिंद स्वराज में 20 चैप्टर्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो बुक है हिंद स्वराज, ये भी डायलेक्टिकल मेथड में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, डायलेक्टिकल मेथड का मतलब क्या होता है, संवाद शैली। आपने प्लेटो के बारे में भी पढ़ा होगा कि प्लेटो ने जो है संवाद शैली में अपनी ग्रंथ लिखे हैं। तो हिंद स्वराज कब लिखी गई थी, 1909 में। बेसिकली यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग एरर है, हिंद स्वराज को 1909 में लिखा गया था। यहाँ पे 8 है ना, इसको आप 9 कर लीजिएगा, जो हिंदी एडिशन में होगा उसमें 1908 लिखा होगा, आप इसको 9 कर लीजिएगा। और अगेन आप देखें यहाँ पे फिर से कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसको आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं कॉन्सेप्ट के, उसको आपको मैच करना है। जैसे कि आप देखें सॉवरेंटी ऑफ ट्रूथ, जो सत्य की संप्रभुता है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, महात्मा गांधी का है। और न्यू ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, नव मानववाद का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है, जो मार्क्सवादी नेता है एम एन रॉय ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, ना कि अरविंद घोष ने। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, ये लेनिन का कॉन्सेप्ट है। नियो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो माओ का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो क्या है, ये वो आपका आंसर होगा। और हाँ, आप हमेशा एग्जाम में देखिए इस नॉट पे आप हमेशा फोकस करिएगा, ये जो नहीं लिखा हुआ है इस पे जरा फोकस करिएगा कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। अगेन आप यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2009 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको बेसिकली दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इसको आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में सही है या नहीं है, और इसके अलावा इनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, क्या संबंध है। जिससे आप देखें गांधी सत्याग्रह इज द विंडिकेशन ऑफ ट्रूथ थ्रू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरिंग, द पर्पज ऑफ सत्याग्रह इज टू शो मॉरल सुपीरियरिटी ऑफ सत्याग्रह। गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन है। बेसिकली गांधी ने जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, देखें आप, या फिर आप साउथ अफ्रीका में देखें, तो सत्याग्रह बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या कि सत्याग्रही जो है खुद तकलीफ उठाता है, खुद कष्ट को सहता है, और इस उद्देश्य से सहता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, अगर हम सिविल डिसओबीडियंस की बात करें, हम गांधी ने क्या कि नमक कानून को तोड़ा
और उसके लिए जो है वो जेल भी गए। तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया क्या, कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कानून तोड़ करके कि जो है ये जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया है ये उचित नहीं है और सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। और बाद में आप देखते हैं कि जो है साल्ट सत्याग्रह में जो है गांधी को सफलता मिली। और यहाँ पे देखिए, द पर्पज ऑफ सत्याग्रह इज टू शो मॉरल सुपीरियरिटी ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, वो सत्याग्रही की मतलब जो मूवमेंट को लॉन्च कर रहा है उसकी नैतिक सर्वोच्चता, उसकी मॉरल सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश नहीं करना है, बल्कि इसका जो पर्पज है वो क्या है कि समाज में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है, समाज में परिवर्तन लेकर के आना है, समाज में चेंज लेकर के आना है। और कैसे? पीसफुल जो तरीके हैं उसके ज़रिए से, मतलब प्रेम की भावना, प्रेम से जो है, नॉन अहिंसा के माध्यम से जो है बदलाव लेकर के आना है। और क्या करना है इसके ज़रिए से, जो विरोधी है उसके उसका हृदय परिवर्तन करना है, ताकि वो स्वेच्छा से खुशी खुशी मान जाए बिना किसी हिंसा का प्रयोग किए बगैर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में जो आपका स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है देखें आप, गांधी सत्याग्रह इज द विंडिकेशन ऑफ ट्रूथ थ्रू सेल्फ इन्फ्लेक्टेड सफरिंग। गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन है। तो गांधी क्या कर रहे हैं? सत्य का समर्थन कर रहे हैं, खुद को तकलीफ में डाल करके वो सत्य का समर्थन कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये जो है आपका गलत है। सत्याग्रही का उद्देश्य ये नहीं है कि वो ये बताने की कोशिश करे कि हम नैतिक दृष्टि से, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सुपीरियर हैं अपने विरोधी से। इसका एक ही पर्पज़ है सत्याग्रह का, कि कैसे वो एक सोशल चेंज लेकर के आए, सामाजिक परिवर्तन लेकर के आए, वो भी कैसे पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस के ज़रिए से। और वैसे भी आप देखिए, शुरू क्वेश्चन के शुरू में ही देखें, सत्याग्रह एक मॉरल वीपन है जिसका यही पर्पज़ है कि वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, जो सत्य सत्य के लिए आग्रह करे, जो विरोधी है उसको ये समझाने की कोशिश करे। और साथ ही साथ क्या कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उससे आप घृणा मत करें, उससे प्रेम करें। और कोशिश करें कि इस तरह से अपनी आप बात को रखें कि सामने वाले को वो ये बात समझ में आ जाए कि वो जो इस तरह के काम कर रहा है वो सही नहीं है। और जब उसको सत्य का ज्ञान होगा तो फिर जो है वो खुद ब खुद उन चीज़ों को मान लेगा। आप देखें जैसे कि चंपारण का एग्जाम्पल ले लें, जो है अंग्रेज जो है चंपारण में, बिहार में नील की खेती करवा रहे थे। गांधी ने उनको प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ कि ये जो है किसानों के हित में नहीं है। और उसके लिए फिर क्या है कि सरकार मान गई, फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मान गई। अगले क्वेश्चन की बात करें जिसे जून 2010 में पूछा गया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गांधी की पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड है। यहाँ पे वो साध्य और साधनों की पवित्रता की बात करते हैं, होलीनेस ऑफ इंड्स एंड मीन की बात करते हैं। तो गांधी का ये कहना है कि जो इंड है, इंड का मतलब क्या, जो आपके उद्देश्य हैं वो भी कैसे होने चाहिए, वो भी क्या है कि वो भी होली होने चाहिए, वो भी पवित्र होने चाहिए, वो भी उचित होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। और उसको हासिल करने के लिए जो आपके मीन्स हैं, जो तरीके हैं, जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या है कि वो भी अच्छे होने चाहिए, वो मॉरली करेक्ट होने चाहिए। तो और इसी वजह से कहते हैं महात्मा गांधी कि इंड्स और मीन जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गांधी के, अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखें, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसको आप देखें, तो गांधी ने क्या है कि जो अंग्रेजों की जो ब्रूट फोर्स है, जो आप देखें उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, उनके उनकी जो अत्याचार है, उन्होंने जो एक्सप्लाटेशन किया, जो जातियां किया भारतीयों के साथ, उन्होंने महात्मा गांधी ने उसका जो जवाब है उसे वायलेंस के जरिए से नहीं दिया, बल्कि क्या कि पीसफुल मेथड के जरिए से दिया, सत्याग्रह से दिया, जो है सिविल डिसोबीडियंस से दिया, फास्टिंग, महात्मा गांधी ने कुछ कुछ कई कई मौके पर जो है फास्ट रखा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं गांधी के अपने तरीके हैं एक मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और वो कहते हैं कि साध्य जो साधन है आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब तो लक्ष्य और साधन अंतर संबंधित, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है दिसंबर 2012 में से पूछा गया है,
हाँ, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट टाइप का या कोटेशन टाइप के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, मतलब ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा, हु सेड दिस, किसने इसको कहा, वे सत्याग्रह कंबाइंड विथ अहिंसा यू विल ब्रिंग द वर्ल्ड टू योर फीट। अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिलाने पर, कैसे, अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिलाने पर, मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों पर ले आएंगे। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, और गांधी ने ऐसा प्रूफ करके भी दिखाया। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखें कई मौक़ों पर जो है, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन गांधी ने जो है नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात को रखा और फिर जो है सरकार को झुकना पड़ा। अगेन यहाँ पे फिर से आप देखें, आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है इस क्वेश्चन को, दिसंबर 2010 में पूछा गया है। और यहाँ जो है एक तरफ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरा उनके ज़रिए से जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, चाहे उन्होंने जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखे हों, जर्नल्स लिखे हों, या उनके ज़रिए से कोई मूवमेंट लॉन्च किया गया तो उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि आप देखें टोटल रिवॉल्यूशन की बात करें, 1974 में जो है जयप्रकाश नारायण ने, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन, जो उनका संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने लॉन्च किया। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च किया, आप जानते हैं। फिर उन्हीं के सहयोग से जो है एमयू जो है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वो बना हुआ है। और फिर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने केसरी को लिखा है। केसरी और केसरी की बात करें, केसरी और प्लस एक चीज़ और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये दो पत्रिकाएं हैं जिसको तिलक ने निकाला था। तो केसरी को उन्होंने किस भाषा में लिखा था, केसरी को, यहाँ से नेट नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, इसके अलावा यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। केसरी को तिलक ने मराठी में लिखा है, केसरी को उन्होंने मराठी में लिखी है, लिखा है। और मराठा ये जो न्यूज़पेपर था, इसको उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा है। तो इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि तिलक ने केसरी को किस भाषा में लिखा था। तो केसरी को उन्होंने मराठी में लिखा था, और मराठा को किस भाषा में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। इसको नोट कर लीजिए, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश, ओके। और यंग इंडिया तो आप जानते हैं, यंग इंडिया को जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप देखें, गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जो भारत की आवाम है, जो भारत की जनता है, उन तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए जो है उन्होंने कई पत्रिकाएं लिखी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर जो जो उन्होंने लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसकी बात करें इंडियन ओपिनियन की, तो इसको उन्होंने जो है 1904 से 1914 के बीच में उन्होंने पब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में। और इसके अलावा आप देखें साउथ अफ्रीका में रह करके जो है महात्मा गांधी क्या लिखते थे, इंडियन ओपिनियन वाज अ न्यूज़ पेपर इस्टेब्लिश बाई महात्मा गांधी, दिस न्यूज़ पेपर वाज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द पोलिटिकल मूवमेंट लेड बाई महात्मा गांधी। मतलब देखिए, गांधी जब भी आप इंडिया में देखें या साउथ अफ्रीका में देखें, जब भी वो किसी मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, तो अपने मैसेज को, अपने काम करने के तरीके को जनमानस तक पहुँचाने के लिए, आवाम तक पहुँचाने के लिए, जनता तक पहुँचाने के लिए वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। तो और आप देखें वैसे भी महात्मा गांधी ने जो है नेटाल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था, वहाँ भी उन्होंने कुछ संगठन को इस्टेब्लिश किया था। और बेसिकली इसका जो पर्पस था कि जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था भारतीय समुदाय के साथ साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए। आप देखें जब गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे और वो फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे में वो सफ़र कर रहे थे, तो उनको जो है ट्रेन से निकल कर अंग्रेज़ों ने फेंक दिया था। इसके अलावा आप देखिए यंग इंडिया गांधी ने पब्लिश किया है, और इसको इस पर्पज से लिखा था कि कैसे जो है जो सेल्फ गवर्नमेंट के जो कॉन्सेप्ट है या स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलर बनाया जाए। और इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी ने नवजीवन लिखा है। नवजीवन जो है बेसिकली क्या है कि गुजराती न्यूज़पेपर है, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था, और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था, 1919 में। तो देखिए यहाँ हमने आपकी सहूलत के लिए जो उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो भी मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे आप देखें दिसंबर 2010 में यंग इंडिया के बारे में पूछा गया है, और दलितों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने जो है हरिजन लिखा था, हरिजन नाम की पत्रिका लिखी थी 1931 से 1948 के बीच में। तो
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, हमने ए को किस किससे मैच किया, ए को सेकेंड से और डी को फोर्थ से, ए को सेकेंड से और डी को फोर्थ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे पूछा गया है जून 2011 में, अगेन देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। महात्मा गांधी डिफाइंड हिमसेल्फ एज फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट। महात्मा गांधी जो है अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक दार्शनिक या तात्विक अराजकतावादी के तौर पे। और यहाँ फिर से आप देखें, जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब जो महात्मा गांधी के काम करने के तरीके को जो समझते हैं, या फिर देखिए जो थिंकर्स हैं, और भी आप जैसे यहाँ पे देखें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की जा रही है, बी आर अम्बेडकर के बारे में बात की जा रही है, महात्मा गांधी के बारे में। तो ये देखिए अनार्किज्म जो है, जो अराजकतावाद जिसको आप कह सकते हैं, अनार्किज्म जो है अराजकतावाद की हम बात करें, तो ये किससे रिलेटेड है, बी आर अम्बेडकर से। गांधी क्या है, एक दार्शनिक अराजकतावाद। गांधी जो है एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक हैं, वो फिलोसफिकल अनार्किस्ट हैं। और बात करें हम बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर क्या है, उनके कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें आपको दिखती हैं, प्राइमरी ऑफ सोशल, बेसिकली जो सोशल है वो सोशल चेंज से है। इसको थोड़ा सा अगर हम कहें कि ये सोशल ना होकर के सोशल चेंज होना चाहिए, सोशल चेंज, प्राइमरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की बात करें। और आर सी दत्त आप देखें, वो एक लिबरल थिंकर हैं, उदारवादी विचारक हैं। और आप देखें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, आप देखें महात्मा जो सुभाष चंद्र बोस का जो अप्रोच था वो कैसा था, फासिज्म और डेमोक्रेसी का एक सिंथेसिस को दिखता है। फासिज्म और जो है जो फासीवाद है और जो प्रजातंत्र है उसका एक संश्लेषण दिखता है। आप देखें आज़ाद हिंद फौज का जब गठन किया गया था, और सुभाष चंद्र की बोस की लीडरशिप में जो है सरकार इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसका जो फॉर्मेट था, जो उसका स्वरूप था, कुछ इसी तरह का था। कैसा था, जहाँ पे जो है फांसीवाद और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को जो है इंक्लूड करके जो है सरकार बनाई गई थी। मतलब उसके मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था उनकी गवर्नमेंट का सुभाष चंद्र बोस की, उसका कैरेक्टर कुछ इसी तरीके का था, जहाँ पे जो है फांसीवाद और प्रजातंत्र को, फासिज्म और डेमोक्रेसी को मिला करके जो है चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा था। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पूछा क्या है, हिंद स्वराज डिपेंड्स, जो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी की जो बुक है हिंद स्वराज, जिसको गांधी ने कब लिखा था 1909 में, ये बुक किसका समर्थन करती है या किसका पक्ष पोषण करती है, तो ये लिंकन की यूएसए से संबंधित है। बेसिकली आप देखें अगर गांधी और लिंकन के बारे की बात करें हम, लिंकन उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, जब जहाँ पे जब अमेरिका में जो है गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, और उन्होंने जो है स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, जो दास प्रथा उसको समाप्त करने के लिए काम किया था। और उसी तरह आप देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप देखें इंडिया में तो उस तरह से स्लेवरी नहीं थी, उसका सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन महात्मा गांधी को आप देखें, उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसके लिए काम किया। उन्होंने हरिजनों के, दलित्स की जो है अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए जो है काम किया महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे जो हिंद स्वराज है किससे संबंधित है, लिंकन्स यूएसए, जो लिंकन के यूएसए से। अगेन आप देखें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, देखिए कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो कोट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको समझने के लिए, या कोई थिंकर ऐसी बात क्यों कह रहा है उसके बैकग्राउंड को भी समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि यहाँ देखें
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्वराज विल नॉट बी ए फ्री गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो स्वराज है ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, इट विल बी द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फुल एक्सप्रेशन, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किसका है? बेसिकली कथन महात्मा गांधी का है। एक्चुअली देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, और ये कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर के तैयार हो गया था। इस संविधान के लागू होने से पहले आप देखें इंडिया के अंदर जो कानून लागू था वो 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो ये इसको किसने बनाया था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाया था और उसको जो है भारत में लागू कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी जब भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे थे तो वे कह रहे थे कि स्वराज, बेसिकली अगर हम बात करें स्वराज का मतलब यहाँ पे बेसिकली उसका जो उनका जो इंटेंशन है, जो उनका उद्देश्य है, मकसद है, वो संविधान को लेकर के कह रहे हैं कि ये जो स्वराज होगा ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का गिफ्ट नहीं होगा, मतलब कोई जो संविधान हमारा होगा जिसके ज़रिए से हमारे ऊपर शासन किया जाएगा, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमको बना करके नहीं देगी। वो ब्रिटिश संसद का एक गिफ्ट नहीं होगा हमारे लिए, बल्कि हम खुद से तय करेंगे। जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के अनुसार होगा, मतलब जैसे यहाँ की आवाम है, जो जनता है यहाँ की, जैसा सोचती है उसी के अकॉर्डिंग होगा। और आप देखें और भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जिन जिन वैल्यूज़ को लेकर के हम लड़े, उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं मूल्यों को हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, और किसको लेकर के? भारत के संविधान को लेकर के। यहाँ स्वराज का मतलब यहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि गांधी कहते हैं कि ये जो हमारा जो खुद का जो संविधान होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई गिफ्ट नहीं होगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसको बनाया और हमारे हमको दे दिया और कहा कि लीजिए आप इसको इस्तेमाल करिए और इसी से अपना राजकाज चलाइए, अपने देश को चलाइए। गांधी कहते नहीं, ये जो है हमारे हिसाब से होगा, ये हमारी पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। और आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो इसी को रिफ्लेक्ट करता है कि हमने ही खुद संविधान को बनाया है, हमने ही खुद इसको एक्सेप्ट किया और इसको अडॉप्ट किया है, और हम ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगेन यहाँ पे आप देखें दिसंबर 2011 का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में फिर से आप देखें दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मेथड आप समझें, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीज़न, अभिकथन और कारण, ये सही है या नहीं सही है। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्या आपको करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि इनके बीच में कोई कनेक्शन, इंटर कनेक्शन है या नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। और आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। गांधीज क्रिटिक ऑफ डिटर्मिनिज्म इज रिवील्ड इन हिज बिलीफ इन रिलेटिव ट्रूथ। निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है, इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ही बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ वन स्टेप एट ए टाइम। अगर ये जो टर्म है निर्धारणवाद की अगर हम बात करें, डिटर्मिनिज्म की बात करें अगर हम, तो ये जो शब्द है निर्धारणवाद, ये चीज़ें आपको मार्क्स के चिंतन में, मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में दिखेगा। यहाँ पे मार्क्स एक चीज़ें कहते हैं कि चीज़ें ऐसे ऐसी होनी हैं, एक वो भविष्यवाणी करते हैं, वो एक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं कि कैपिटलिज्म जब आएगा तो उसके बाद क्या है कि जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, जो उनका शोषण है, वो अपनी चरम अवस्था पर होगा, उसके बाद क्रांति होगी और परिवर्तन आएगा, और क्रांति को लाने के लिए जो है बड़े बड़े कदम उठाने हैं, मतलब जैसे बदलाव लाने के लिए, खासतौर पर पूंजीवादी व्यवस्था जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके अंदर बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े जो है कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कि क्रांति की हम बात करें, मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो बदलाव आएगा वो कैसे आएगा, ये पूंजीपति जो लोग हैं वो खुद से तो
अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेंगे नहीं, या जो उन्होंने स्टेट को कैप्चर करके रखा है वो खुद से तो छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए जो है मजदूरों को क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये सारी मार्क्स की भविष्यवाणियां हैं, लेकिन गांधी कहते हैं कि हम सत्य को जान नहीं सकते, सत्य के करीब तो हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि सत्य क्या है, अपने उसके कई डायमेंशन, उसके कई आयाम है, उसके कई पहलू हैं। तो हम सत्य जो अल्टीमेट ट्रूथ है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ लिमिटेशन है, इसलिए जो अल्टीमेट ट्रूथ है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। और चूंकि हमारी जो समझ है सत्य को लेकर के, सच्चाई को लेकर के, वो रिलेटिव है, सापेक्ष है, इसलिए गांधी क्या करते हैं कि एक समय में एक ही काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, गांधी का जो ओवरऑल आप देखेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट में जो तरीका है काम करने का, वो कैसा है कि एक ही समय पर वो एक काम कर रहे हैं। पहले क्या है कि गांधी को ये लग रहा है कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता हो कि हमें जो है वो स्वराज दे दें, जो इंडिया इंडिया को वो फ्री कर दें, और या फिर भारतीयों को वो रियायतें दें। उसी लिए आप देखें, जब 1918 1914 से 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, और जो है उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी दी, उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की, जो घायल थे उनकी सेवा की, और उसी उसी लिए जो है उनको उपाधि दी गई, केसरे हिंद की शायद उपाधि दी गई है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि गांधी क्या कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। 1920 में जब गांधी असहयोग आंदोलन को लॉन्च करते हैं, असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन, जब इस आंदोलन को गांधी लॉन्च करते हैं, और फिर 1922 में जब चौरी चौरा, जब गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ पे एक घटना हो जाती है जहाँ पे भीड़ क्या करती है कि एक थानेदार को और 22 पुलिस कांस्टेबल को जो है एक थाने में जला करके मार देती है। तो गांधी अपने असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लेते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए जो हिंसा है, मेरे लिए जो अहिंसा है वो क्या है, स्वराज से पहले है। तब गांधी ये कहना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले क्या है कि जो भारत की जो आवाम है, जो जनता है, पहले उसको अहिंसा के लिए, उसको अहिंसा की ट्रेनिंग देनी है। एक समय पे एक ही काम वो कर रहे हैं कि लोगों को वो ट्रेंड कर रहे हैं, और आप देखें उसी के अंदर वो जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स अपने वो लेकर के आ रहे हैं कि जो है आप स्वदेशी को अपनाइए, जो जो विदेशी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है उसको आप छोड़ दीजिए, स्वदेशी वस्त्र का आप को आप ग्रहण करिए। तो एक समय में जो है एक ही गांधी बात कर रहे हैं, जहाँ पे गांधी बात कर रहे हैं अहिंसा के बारे में, को कह रहे कि अहिंसा जो है वो मेरे लिए स्वराज से पहले है, मतलब पहले अहिंसा आती है फिर स्वराज मेरे लिए आता है। और स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज चले जाएं और यहाँ पे इंडिया के लोग जो है पावर में आ जाएं, स्वराज का मतलब क्या है कि आपका अपने आप पर कंट्रोल हो, फुल कंट्रोल हो, जो आपके के इमोशंस हैं, जो सेंटीमेंट्स हैं, जो आपके अंदर जो क्रोध की भावना है, जो हिंसा की जो भावना है आपके अंदर, उसके ऊपर आपका अपना कंट्रोल हो। लेकिन बाद में देखिए धीरे धीरे जब उन्होंने इंडिया की मासेस को ट्रेंड किया, तो वही गांधी जो है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में वो करो और मरो का नारा देते हैं, जो है वो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो कहते हैं करो या मरो का नारा देते हैं। तो वो एक समय में एक ही काम को, एक ही चीज़ पे वो फोकस करते हैं, एक ही चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सत्य जो है क्या है वो बहुआयामी है, हम सत्य को अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुँच सकते, हम मनुष्य हमारी सीमाएँ हैं, और इन सीमाओं की वजह से जो है हम अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुँच सकते हैं। उसके करीब तो पहुँच सकते हैं लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसको हम नहीं समझ सकते हैं, हमारी जो सोच है वो सीमित है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि एट ए टाइम हमें सिर्फ एक समय में एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और बात करें हम इस क्वेश्चन की, ऐसे अगर हम देखें तो हमने 2004 से लेकर के 2011 के बीच के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने कवर कर लिया है, और इस सेशन को फिलहाल हम यहीं कंप्लीट करेंगे। बाकी जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम 2012 से लेकर के 2023-24 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको पार्ट टू में जो है कन्वर्ट करें, मतलब कवर उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट वन है, हम पार्ट टू में जो है
एक वीडियो हम गांधी पर और लेकर के आएंगे, जहाँ पे हम 2012 से लेकर के 2023-24 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के एग्जाम में, उसको हम कवर करेंगे। तो होपफुली आपको ये जो पार्ट टू है वो 1-2 दिन में मिल जाएगा, उसकी भी वीडियो। तब तक जो है आप हमारे साथ में बने रहिए, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको आप देखिए, उसको भी आप देखें, खुद से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और एक चीज़ और, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ से इस वीडियो का जो PDF है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिए गए हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।